बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट यानी इंटरनेट का आगाज किस तरह से हुआ था इसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, इंटरनेट एंड हाउ इंटरनेट वर्क्स, यानी इंटरनेट होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, इंटरनेट को दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। फ्रेंड, आमतौर पर नेटवर्क क्या होता है? एक इस तरह का सिस्टम जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं और इसीलिए कनेक्ट होते हैं ताकि वो आपस में बात कर सके, डेटा को एक दूसरे को सेंड और रिसीव कर सके। अब यहाँ हम इंटरनेट को सबसे बड़ा नेटवर्क इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक, दो या फिर तीन कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट नहीं होते, बल्कि दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स इसके जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इसको सबसे बड़े नेटवर्क का नाम दिया जाता है जो कि लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंटरनेट काम कैसे करता है? कैसे आप सिर्फ अपने ब्राउजर पर youtube.com लिखते हैं और झट से आपके सामने लाखों की तादाद में वीडियोस आपको नजर आने लग जाती है, या फिर किस तरह आप पाकिस्तान में बैठकर सात समंदर पार किसी और कंट्रीज में बैठे अपने दोस्तों से बातें करते हैं। ये तो आप जानते हैं कि ये इंटरनेट की वजह से हो रहा है, मगर इंटरनेट ये किस तरह कर रहा है, क्या ये आपने कभी सोचा है? और फ्रेंड्स, इसी का जवाब आज हम जानेंगे कि भाई आखिर इंटरनेट काम करता कैसे है। दोस्तों, होता क्या है, जब भी आप अपने ब्राउजर पर लिखते हैं youtube.com या फिर facebook.com, which means के आप YouTube से उसका डेटा मांग रहे होते हैं और YouTube का तमाम डेटा उसके सर्वर्स में पड़ा होता है। और मान ले कि YouTube का सर्वर मौजूद है अमेरिका में, अब वो YouTube का सर्वर आपको वो डेटा किस तरह से भेजेगा, क्योंकि आप तो पाकिस्तान में हैं और सर्वर अमेरिका में जिसमें तमाम डेटा मौजूद है, तो इसके लिए बीच में किसी न किसी ऐसी चीज की जरूरत जरूर पड़ती है जो उस डेटा को उस सर्वर में से पाकिस्तान तक लेकर आए, और वो चीज है ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और दोस्तों, आपको इसके नाम से भी अंदाजा हो गया होगा कि ISP का काम क्या होता है, कि एक जगह से इंटरनेट की सर्विसेज को लेना और दूसरी जगह उन सर्विसेज को पहुंचाना। और दोस्तों, ये ISPs भी तीन तरह की होती हैं, स्मॉल ISP, लार्जर ISP और लार्जेस्ट ISP। तो दोस्तों, अब फॉर एग्जांपल आप अपने घर में बैठे हैं और आप टाइप करते हैं अपने ब्राउजर पर youtube.com, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि YouTube का सर्वर अमेरिका में है, तो अब आप उस सर्वर से किस तरह कनेक्ट होंगे? तो दोस्तों, इसके लिए अब आप सबसे पहले कनेक्ट होंगे किसी न किसी फोन लाइन या फिर DSL के जरिए उस स्मॉल ISP से। और फ्रेंड्स, याद रखें, वो जो स्मॉल ISP है वो सिर्फ और सिर्फ काम करेगी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। जिस तरह आपके एरिया में कोई इंटरनेट सर्विस दे रहा होता है और वो आपसे कुछ पैसे लेता है और आपको 10 Mbps या फिर 100 Mbps की स्पीड दे देता है, इसी तरह अगर आपके एरिया में 100 घर हैं तो वो उन तमाम घरों में इंटरनेट दे रहा है, विच मीन्स के जो स्मॉल ISPs हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में मौजूद कंप्यूटर्स को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ आपके जहनों में एक सवाल आना चाहिए कि स्मॉल ISPs जो घर घर में इंटरनेट दे रही है, उनके पास इंटरनेट कहाँ से आ रहा है? क्या उन्हें भी कोई इंटरनेट दे रहा है? तो इसका जवाब है हाँ, और उन्हें इंटरनेट दे रहा है लार्जर ISPs। और लार्जर ISPs वो ISPs होती हैं जो कि किसी सिटी या फिर किसी कंट्री में इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। जैसे मान ले, अभी एक स्मॉल ISPs थी जो आपके एरिया को इंटरनेट प्रोवाइड कर रही थी, इसी तरह अगर एक शहर में जिसमें 10 एरियाज हैं, तो उन 10 एरियाज में 10 स्मॉल ISPs होंगी, और अब वो 10 स्मॉल ISPs कनेक्ट होंगी उस एक लार्ज ISP से, यानी वो उस लार्जर ISP से 100 MB डेटा खरीदेंगी और फिर उसको 10 MB में डिवाइड करके अपने अपने एरिया में मौजूद हर एक कंप्यूटर को सेल कर देंगी। अब डियर फ्रेंड्स, यकीनन यहाँ भी आपके जहनों में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि स्मॉल ISP को लार्जर ISP इंटरनेट फराहम करती है, डेटा फराहम करती है, तो लार्जर ISP को डेटा कौन फराहम कर रहा है, उसको इंटरनेट कहाँ से मिल रहा है कि वो स्मॉल ISP को दे रही है?
तो फ्रेंड्स अब आती है लार्जेस्ट आईएसपी, जो कि लार्जर आईएसपी को डाटा प्रोवाइड करती है। और ये लार्जेस्ट आईएसपी दरअसल कनेक्ट होती हैं उस यूट्यूब के सर्वर से जो कि अमेरिका में है। और फ्रेंड्स याद रखें, बड़ी बड़ी कंपनीज अमेरिका से पाकिस्तान या फिर दुबई से कराची, इसी तरीके से एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज इस तरह से समुद्री केबल्स बिछाती हैं, और ये केबल्स ही कहलाती हैं लार्जेस्ट आईएसपी। और इन केबल्स के जरिए ही यूट्यूब का सर्वर, फेसबुक का सर्वर, याहू का सर्वर वगैरह आपके कंट्री तक डाटा को पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको आपकी स्क्रीन पर यूट्यूब की वीडियो शो होने लग जाती है। दोस्तों अगर हम इसको समराइज करें तो ये है आपका होम कंप्यूटर, जो कि किसी फोन लाइन या फिर मोडेम के जरिए कनेक्ट होता है स्मॉल आईएसपी से। स्मॉल आईएसपी देन कनेक्ट होती है लार्जर आईएसपी से, जो कि किसी कंट्री में डाटा को प्रोवाइड करती है, यानी किसी कंट्री में इंटरनेट प्रोवाइड करती है। और देन लार्जर आईएसपी कनेक्ट होती है लार्जेस्ट आईएसपी से, जो कि ग्लोबली इंटरनेट प्रोवाइड करती है उन यूट्यूब, फेसबुक वगैरह के सर्वर से लेकर। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आपको यूट्यूब से डाटा चाहिए तो यूट्यूब का सर्वर सबसे पहले वो डाटा पहुंचाएगा लार्जेस्ट आईएसपी को उन समुद्री केबल्स के जरिए। वो समुद्री केबल उसको आपकी कंट्री तक पहुंचाएंगी, आपकी कंट्री में मौजूद होगा लार्जर आईएसपी, लार्जर आईएसपी उस डाटा को, उस इंटरनेट को पहुंचाएगा स्मॉलर आईएसपी के पास, और स्मॉलर आईएसपी उस डाटा को आपके होम कंप्यूटर तक पहुंचाएंगी। तो इस तरीके से इंटरनेट काम करता है, बिल्कुल ऐसे ही। ये तो हम बात कर रहे थे होम कंप्यूटर्स की। अगर आप किसी ऑफिस वगैरह में हैं या फिर यूनिवर्सिटीज में हैं, तो वहां तो आमतौर पर लैन नेटवर्क यूज होता है, और उन लैन नेटवर्क्स की वजह से एक ऑफिस में मौजूद तमाम कंप्यूटर्स या फिर एक यूनिवर्सिटी में मौजूद तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। और अगर उन्हें इंटरनेट चाहिए तो वो पूरा का पूरा लैन नेटवर्क एक हाई स्पीड फोन लाइन के जरिए कनेक्ट होगा स्मॉल आईएसपी से। देन स्मॉल आईएसपी अलग अलग एरियाज में मौजूद स्मॉल आईएसपी कनेक्ट होंगी लार्जर आईएसपी से, देन लार्जर आईएसपी कनेक्ट होगी लार्जेस्ट आईएसपी से, और इस तरीके से आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी डिटेल कि इंटरनेट किस तरीके से काम करता है। अगले लेक्चर में हम आपको एड्रेसिंग स्कीम्स बताएंगे, जिसके अंदर हम आपको आईपी एड्रेसिंग और डीएनएस स्कीम्स की डिटेल्स देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।